आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में जगह जगह लोगों को संबोधित किया। वो फतेहाबाद गए जहां उन्होंने सीएम योगी पर जमकर कटाक्ष किया। पूर्व सीएम ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार का दर्द ही नहीं समझते। सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत जब समाजवादी विजय संकल्प यात्रा लेकर आगरा की सड़कों से गुजरे तो समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। सपा मुखिया अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे। सपा मुखिया ने फतेहाबाद में कहा कि बाबा मुख्यमंत्री का तो परिवार ही नहीं है जिससे उन्हें किसी परिवार की चिंता हो। बाबा मुख्यमंत्री उनका परिवार नहीं है इसलिए वो परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते। याद रखना, एक परिवार वाला ही परिवार वालों के दुख दर्द समझ सकता है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री कैसे समझेंगे परिवार का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत के साथ समाजवादी रथ पर सवार गठबंधन प्रत्याशी महेश जाटव ने मतदाताओं से वोट की भीख मांगी। लोगों से झोली फैला करके आज मैं वोट की भीख मांगता हूँ क्योंकि मेरे इनका जो काम था दोनों नेताओं का वो कर दिया, अब आपका काम है। मैं आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ और मैं एक गरीब का बेटा हूँ, इस गरीब के बेटे की लाज रख लेना, बस इतना ही कुछ कहना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे पे ज्यादा कोई शब्द नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट पर पहुंचने पर जगह जगह अखिलेश और जयंत का इस्तकबाल हुआ। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही ब्रजभाषा का इस्तेमाल कर महेश तो है गो बाबा क्यों संबोधन किया तो समर्थक बल्लियों उछलने लगे। उन्होंने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। रालोद चीफ चौधरी जयंत ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए मतदाताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि हम तो पैदा ही गर्म हुए हैं। आप तो काफी गर्म लग रहे हो आज, गर्म हो। इस उत्साह को देख के मुझे लग रहा है कि महेश तो है गो और बाबा गए हो। आने वाली 10 तारीख में आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना। रालोद अध्यक्ष ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए अपने दिवंगत पिता चौधरी अजीत सिंह का भी संबोधन में जिक्र किया। किसानों का मुद्दा छेड़ा, किसानों को लाठी चार्ज की याद भी दिलाई, हाथरस में खुद पर हुए लाठी चार्ज की याद दिलाकर जाटों के अंतर्मन को झिंझोड़ा तो हाथरस की बेटी का जिक्र कर दलितों को भी साधा। जयंत ने किसानों से खुद के लिए ताकत मांगते वक्त चौधरी चरण सिंह का भी वास्ता दिया। जब जब किसानों पर लट पड़े, जब जब कोई चुनौती आई, सबसे पहले चौधरी अजीत सिंह जी ने अपनी आवाज बुलंद करी और आप किसानों के बीच वो पहुंचा कर सके। और आज ये क्रूर और ढोंगिल मजबूत सरकार, झूठी सरकार, बार बार जब किसानों ने फैसला लिया कि हम विरोध करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम आंदोलन करेंगे, चलो किसान घाट चलो, चलो जंतर मंतर चलो, चलो संसद में चलो, कूच करो दिल्ली की ओर, बारंबार जब किसान उठ के आगरा से निकल के जाते, मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर जोड़ के निकल के जाते, ये सरकार आपके रास्ते में बैरिकेड लगाती, लठ चलाती थी, पानी की बौछार चलाती थी, गोली चलाती थी, लेकिन बारंबार किसान रुके नहीं, रुके नहीं, रुकना हमारा काम नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हाथरस के पीड़ित परिवार के पास हम लोग जाके अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, क्या हमने कोई गुनाह किया? आपकी नजर में क्या मैंने कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है? ऐसे परिवार के साथ जिसकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, ऐसा जघन्य अपराध हुआ हो, आज रात हो गई, ऐसे रात के अंधेरे में उसकी अंतिम क्रिया कर दी गई हो जबरदस्ती, ऐसे परिवार के बीच पहुंचने का कर्तव्य मेरा बनता है, कर्तव्य हमारा बनता है।
जयंत चौधरी ने आवारा पशुओं की बात छेड़ किसानों की दुखती रख पर हाथ तो रखा ही, युवाओं को भी सादा। बेरोजगार युवाओं के सरकारी नौकरी के लिए भटकने का जिक्र कर युवाओं से वोट की अपील की। जयंत ने योगी आदित्यनाथ की क्वालिफिकेशन भी पूछी और फिर कहा योगी गाली अच्छी दे सकते हैं। उन्होंने महेश जाटव को सरल और सच्चा प्रत्याशी बताकर जाटलैंड के मतदाताओं से जिताने की अपील की। और सरकार ने क्या किया था याद है, लाठी चलाई योगी जी, किसान के मान सम्मान की लड़ाई में आपने लाठी चलाई, हमने खाई। 10 बार लाठी चलाओगे हम खाने को तैयार हैं, लेकिन अब आपको फैसला लेना है, आपको फैसला लेना है कि आप मुझे ताकत देना चाहते हो। अखिलेश जी जो आपके दर्द को समझते हैं, जो चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने के लिए हम दोनों कहां पाएंगे, क्या उस विरासत को आप आगे बढ़ाना चाहते हो? और हिसाब भी लो, 5 साल में क्या हुआ, 5 साल में लोगों ने क्या दिया, बैटरी वाली टॉर्च पकड़ाई और दूसरे हाथ में लाठी पकड़ाई और कार रात में जो तार लगा के दिखाओ और पूरी रात अपने खेतों में दिखाओ, यही तो दिया। कुछ लोग कहते हैं छिपते पशु है, शान है, बिजार है। चौधरी जयंत के संबोधन के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने किसानों को लुभाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो सिंचाई का बिल किसानों के पास नहीं पहुंचेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में हरे और लाल रंग ने भाजपा का सफाया कर दिया है। उन्होंने आवारा पशुओं का भी जिक्र किया, खाद नहीं मिलने का मुद्दा भी किसानों के समक्ष उठाया। आपकी सिंचाई की बिजली की बिल नहीं आएगा आपके पास, मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरठ में कार्यक्रम किया, मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम किया, शामली में कार्यक्रम किया, बागपत में कार्यक्रम किया, हापुड़ में कार्यक्रम किया और आज बुलंदशहर में कार्यक्रम किया और आज आपके बीच में कार्यक्रम कर रहा हूं मैं। ये पहले चरण का चुनाव है और ये पहले चरण के चुनाव में ही हरे और लाल ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का फैसला लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या दिया, हमारे किसान भाई जानते होंगे, खेतों में तार लगाना, खेतों की रखवाली करना पड़ रही है, खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही, और खाद नहीं मिली किसी को, और अगर खाद मिल भी गई होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों का जिक्र छेड़ महंगाई का मुद्दा छेड़ा। इस चुनाव को किसानों और नौजवानों के भविष्य का चुनाव बताया, चुनाव को चौधरी चरण सिंह की विरासत और संविधान को बचाने का चुनाव बताया। ये लोग कहते थे कि हम गरीबों को और हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारी गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है और डीजल पेट्रोल की कीमत जो आपसे हमसे वसूल रहे हैं ये अमीरों की तिलोरी भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का भी है, ये चुनाव किसान और नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव है चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा की जनता से कहा कि ये चुनाव यूपी के भविष्य का चुनाव है। जयंत के साथ आने से भाजपा नेताओं की हवा खराब हो गई है। उन्होंने जाटलैंड के मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि भाजपा भले ही कोई प्रचार करे लेकिन वे जयंत चौधरी को पूरा सम्मान देंगे। जैसे इस समय जयंत चौधरी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वैसे ही सरकार बनने पर वे सरकार चलाने में कंधे से कंधा मिलाकर जयंत चौधरी की मदद लेंगे। न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हवा खराब हो गई है और उनके अगर चेहरे देखोगे तो चेहरों पर तोते उड़ गए, उनके तोते उड़ गए। वो कहते हैं कि जैन जी को सम्मान नहीं देंगे, लेकिन मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं जैन चौधरी जी जैसे खड़े हमारे साथ हैं, सरकार बनेगी वैसे ही हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताज नगरी से सरकारी कर्मचारियों को भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर वे पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों की मदद करना। हम समाजवादी लोग, आरएलडी के लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा है कि हमारे किसानों की बिजली का बिल, सिंचाई का, कोई सिंचाई का बिल नहीं आएगा। पहले भी सिंचाई माफ थी, आने वाले समय में भी किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। और वहीं हमारे कर्मचारी जानते होंगे कि पुरानी पेंशन को लेकर के संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम करेंगे। इधर कोरोना की वजह से पूर्व सीएम अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि वे गर्मी निकालना चाहते हैं, जबकि समाजवादी और आरएलडी मिलकर युवाओं के लिए भर्ती निकालना चाहते हैं। इधर कोरोना की वजह से और लगातार सरकार की नाकामी की वजह से ना हमारा कारोबार आगे बढ़ा, ना उद्योग आगे बढ़े और ना ही हमारे नौजवानों को कोई नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। नौजवान हमारी मेहनत करना चाहता है, परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहता है। अगर नौजवान परीक्षा देने गया तो उसका पेपर आउट हो गया, परीक्षा नहीं दे पाया, परीक्षाएं रद्द हो गई। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हमारे फौज की भी भर्ती नहीं हुई है। हमारा नौजवान अखिलेश और जयंत ने दिन भर आगरा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में समाजवादी संकल्प विजय रथ पर सवार होकर मतदाताओं से वोट मांगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 फरवरी को जब आगरा के मतदाता ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तब उन पर अखिलेश और जयंत की अपील का कितना असर होता है। विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।